नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। नवरात्र में कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कुछ कार्य करना निषेध माना गया है। तो नवरात्र में 9 दिनों में क्या करें और क्या ना करें, ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही नवरात्र का आज तीसरा दिन है, तो आज माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की आराधना कैसे करें ये भी बताएंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं नवरात्र में क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें माँ चंद्र घंटा की आराधना? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से माँ की आराधना के। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय दुर्गे। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है चैत्र और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है विषकुंभ और करण है तैतिल। और आज जो व्रत और पूजा पर्व मनाई जा रही है उसे हम गौरी पूजा या गणगौर के नाम से जानते हैं और आज इसके साथ साथ मत्स्य जयंती भी है। और बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पारिवारिक स्थिति जो है वो बहुत सुखद नहीं दिखाई देती, पारिवारिक कलह होने की संभावना दिखाई देती है। करियर और शिक्षा परीक्षा के क्षेत्रों में, प्रतियोगिता के क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना दिखाई देती है। तो परिवार की तरफ से थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है, उसके अलावा हर तरफ आपको आज सफलता मिल सकती है। ओम द्विज प्रियाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जो पारिवारिक चिंता है, तनाव की स्थिति है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, भागदौड़ बहुत ज्यादा रह सकती है, समय असमंजस में बीतने वाला रहेगा, दुविधा बहुत ज्यादा रहेगी, प्रेम संबंधों में भी तनाव की आशंका दिखाई देती है, आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जो लोग हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप से बहुत समय से पीड़ित थे, ऐसे रोगियों को अपने रक्तचाप संबंधी समस्या से निजात मिल सकती है, आपको काफी राहत मिलेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से, संतान की ओर से परेशानियां आज आपको मिल सकती हैं, कुछ चिंताएं आपकी ओर बढ़ सकती हैं। आज का पूरा दिन जो है आपको गुस्सा और क्रोध बहुत ज्यादा आता रहेगा, इसलिए इनसे आपको बचना चाहिए। आपके साथी की कोई गलत फहमी आज आपके माध्यम से दूर हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री देवी कवच का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज की दिनचर्या में आपको बचना है। और अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा से धन लाभ होने की संभावना बहुत प्रबल दिखाई देती है। छात्रों को, विद्यार्थियों को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की आवश्यकता होगी, कंसंट्रेशन में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन को भटकने से बचाना होगा। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज की तिथि में देवी दुर्गा की आराधना करने के साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना भी कर लेनी चाहिए। श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से आज की दिनचर्या में अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन के आरंभ में बिजनेस में व्यापार में काफी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे दिन विकास करेगा, प्रगति करेगा, दिन के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और आप लाभ लेकर के ही घर वापस लौटेंगे। धार्मिक कार्य करने से धार्मिक कृत्य में आज आपका मन भी लगेगा और ऐसे कृत्य यदि आप करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम अच्छे फल बहुत मिलने वाले हैं आज की दिनचर्या में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा में बहुमूल्य समय को नष्ट ना करें। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में किसी साथी या मित्र की अगर कोई बात आपको अच्छी ना लग रही हो तो उसे बहुत ही स्नेह से, प्यार से और सौम्यता पूर्वक समझाया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा डांटना फटकारना ये ठीक नहीं होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करके यदि आप देवी दुर्गा की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर दिन का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज स्वयं को किसी बहुत बड़े वाद विवाद में उलझाने से, डालने से बचना चाहिए। किसी दूसरे के मामले में भी आप हस्तक्षेप न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बढ़ते अगली राशि की ओर जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में आज का दिन बीत सकता है। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए व्यावसायिक कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, यानी आपकी अपनी नौकरी में कहीं ना कहीं बाधा आएगी। बेचैनी से पार पाने की आपको कोशिश करनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा आज व्यग्रता होगी, बहुत बेचैनी होगी, चिंता हो सकती है और उसके साथ साथ चोट चपेट एक्सीडेंट की भी आज आशंका बनती है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का सहस्त्रनाम स्त्रोत यदि आप पाठ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आज मत करिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में सावधान रहकर के कार्य करने की आवश्यकता है। दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा। वाहन का प्रयोग करते समय यानी गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है आपको। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें, फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो आज के दिन का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। और अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए माता का स्वास्थ्य आज प्रभावित हो सकता है। आय के स्रोत बढ़ने की स्थिति दिखाई देती है। कहीं ना कहीं से और मार्ग आप बना सकते हैं अपने इनकम के। नतीजों की चिंता किए बगैर यदि आप मेहनत और परिश्रम करते रहेंगे तो कामयाबी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। आज की तिथि में हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को काफी राहत मिलने की स्थिति दिखाई देती है, तो आपके लिए परिस्थितियां अच्छी हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों को श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी ना दिखाएं। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार की ओर से आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। बॉस आपके कार्य की तारीफ करेंगे, यानी आपके जो उच्चाधिकारी हैं वो आपके काम से प्रसन्न भी होंगे और प्रभावित भी। कोई फैसला हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आप आज आने वाली दिनचर्या में आने वाली सभी समस्याओं से बहुत आसानी से उभर सकते हैं। आपको आवश्यकता है अपने पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच की। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी ना होने दें। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में गलत निर्देशन से आपको विफलता हाथ लग सकती है, यानी आप जिस व्यक्ति की बात मानते हैं, जिस व्यक्ति की राय लेते हैं, आज हो सकता है उस व्यक्ति की बात या उसका सुझाव कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो। ये एक प्राकृतिक गलती भी हो सकती है और जानबूझ के कोई आपको गलत सलाह दे दे, आपको गलत रास्ता दिखा दे, इस बात की भी संभावना बनती है। तो आज जब भी आप किसी से सुझाव लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आपको अपना निर्णय अंतिम रखना चाहिए। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्तमान समय आपके लिए किसी बड़ी डील के लिए उपयुक्त नहीं है, अन्यथा अपनी रोज की रूटीन के लिए, रोज के दैनिक कृत्यों के लिए दिन उत्तम रहने वाला है।
पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, अब इन्हें सुधारने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, रिश्ते आपके और मजबूत हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज पैसे का व्यर्थ में दिखावा करने से बचना चाहिए, बहुत अधिक खर्च ना करें। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अब तक आ रही बाधाएं जो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपको परेशान और चिंतित किए हुए थी, जिनके चलते आपको असफलता हाथ मिलती थी, अब वो दूर हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। गलत फहमियों को दूर करने के लिए आज की तिथि में आपको ही प्रयास आरंभ करना होगा, पहला प्रयत्न आज आपको करना होगा, तब कहीं जाकर के आपके संबंध जो है वो ठीक होंगे। आपसी मनमुटाव और गलत फहमियां जो बीच में आ गई थी वो तभी दूर हो पाएंगी। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी व्यक्ति से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बारी है आज के महा उपाय की, माता के 9 दिनों में क्या करें और क्या ना करें, ये हमें बताएंगे आज आचार्य जी। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत आवश्यक है कि नवरात्र के दिनों में कौन से कार्य करने चाहिए, यानी कौन से कृत्य आपको करने चाहिए और किन कृत्यों के प्रति हमारे धर्मशास्त्रों ने वर्जना बताई है, यानी मना किया है, कौन से काम नहीं करने चाहिए, यानी जिसे कहते हैं डूज एंड डोंट्स। तो नवरात्र में कौन सी चीज़ें करने वाली हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करने वाली हैं, आज इसके बारे में हम लोग सविस्तार से चर्चा करेंगे। नवरात्रि में हम जितनी पवित्रता बरतते हैं देवी उतनी ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाती हैं। कई घरों में बड़े ही नियम से पूजा पाठ होता है और 9 दिन की जो मान्यता है वह पूरे विधि विधान के साथ पालन की जाती है। कुछ लोग बहुत कठोर नियम पालन करते हैं, इन परंपराओं में ही हमारे संस्कार बसे होते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितनी ज़्यादा शुद्धता और पवित्रता बरतेंगे उतनी ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त होगी और उतनी ज़्यादा आपकी जो साधना है वह सफल होगी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, कौन से कार्य जो हैं वो बहुत आवश्यक हैं, यानी क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि यदि आप देवी की साधना कर रहे हैं तो आपको 9 दिनों में नंगे पैर रहना है, आपका भूमि से स्पर्श सीधे तौर पर होना चाहिए। यदि अगर आप कोई फुटवेयर नहीं पहनते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और ख़ास तौर पर ये आपको ध्यान रखना है नवरात्र के 9 दिनों में। और उन लोगों के लिए जिनके घरों में मिट्टी की कहीं ना कहीं कोई जगह हो, वहाँ पर थोड़ी देर बैठ करके या वहाँ पर खड़े रह करके कुछ देर माता की साधना करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। 9 दिनों तक यदि संभव हो सके तो व्रत अवश्य रखना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यदि आप मान लीजिए कि व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन जो भी साधक है, जो व्यक्ति है जो अपना कल्याण चाहता है, अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि चाहता है, उसे प्रतिदिन भगवती के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी आपको मंदिर जाना चाहिए, और यदि आप साधना कर रहे हैं पूरे विधि विधान से नियम से आप व्रत कर रहे हैं तो भी आपको मंदिर जाना अवश्य चाहिए। देवी को जल समर्पित करना चाहिए, जो उनकी पूजा का विधान है उस पूजा को करने के बाद उनको जल अर्पित करना चाहिए। और नवरात्र के दिनों में किसी भी तिथि में, जिस तिथि में आप पूजन करते हैं, जिस तिथि में आप हवन करते हैं, नवरात्र की पूर्णाहुति करते हैं, उस तिथि में चाहे वह सप्तमी हो या अष्टमी हो या नवमी हो, उस तिथि में आपको कन्या भोजन, कन्या पूजन अवश्य कराना चाहिए। जितने भी तामसिक पदार्थ हैं उनका आपको परित्याग कर देना चाहिए, खासतौर पर मांस, मदिरा, जहाँ हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं प्याज लहसुन की जो वर्जना है वह भी इसी कारण से, क्योंकि प्याज और लहसुन की जो प्रकृति है वह भी जो है बहुत ज़्यादा तामसिक होती है। इस वजह से नवरात्र के 9 दिनों में जो भोजन बनता है, या तो फिर आप फलाहार करें, और अगर अन्न ग्रहण भी करते हैं, आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना प्याज लहसुन के प्रयोग से बना हुआ जो भोजन है वह प्रयोग में लेना चाहिए। सरसों के तेल, रिफाइंड, डालडा, इन सारी चीज़ों का प्रयोग बचाना चाहिए, और यदि संभव हो जाए तो देसी घी का प्रयोग करना चाहिए, यह भी शुद्ध है और सात्विक है।
इन दिनों जौ अवश्य बोना चाहिए, ये भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है और ये एक अभिन्न अंग है नवरात्र के। 9 दिनों में कलश स्थापना जो करते हैं, जौ रखना जिसे जयंती कहते हैं, जयंती बोना जौ रखना ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। 9 दिनों तक संपूर्ण विधि विधान के साथ देवी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए और उनकी जो भी पंचोपचार पूजन की विधि है उस विधि से उनकी पूजा अवश्य की जानी चाहिए। और आप जिस भी मान्यता के अनुसार अपने इस व्रत को करते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, चाहे आप अष्टमी का व्रत करते हो या नवमी की पूजा करते हो, अष्टमी और नवमी पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा अवश्य की जानी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नवरात्र के 9 दिनों में आप अखंड ज्योत अवश्य जलाएं, अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हैं जिन बातों को आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अवश्य करें। आइए अब जानते हैं कि नवरात्र के इन परम दिनों में आपको कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। नवरात्र के परम पवित्र दिनों में यदि आप 9 दिन का व्रत न भी रख पाएँ तो कम से कम पहला और आखिरी व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और प्याज लहसुन मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू मसाले इत्यादि व्यसनों व तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी प्रकार के मादक और नशीले पदार्थों का और उसके साथ साथ मांस मदिरा का जो निरामिष भोजन है उसका आपको परित्याग करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो हाथ पांव के नाखून काटना, दाढ़ी बाल बनाना, श्रृंगार करना, तेज गंध के सेंट परफ्यूम इत्यादि इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन दिनों में स्त्री प्रसंग बिल्कुल भी वर्जित है, आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि शयन करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताते हैं। यानी जो सुख और ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, जो लग्जरी हम अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं, जिसकी हमें आदत बन गई है, गद्दों पर सोना बिस्तर पर सोना, उसके बिना हमें नींद नहीं आएगी, इन चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। इस दौरान आपको जमीन पे यानी भू शयन करना चाहिए, अपने सोने की व्यवस्था जमीन पर करें, वहाँ पर सोएं और देवी भगवती की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप साधना करेंगे, उनके शरण में अपने मन को लगाएंगे, उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। इन दिनों यह भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप क्रोध बिल्कुल ना करें, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शोर शराबा कलह बिल्कुल भी भूल करके भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। कलह क्लेश अगर घर में होगा तो उस घर में माता नहीं आएगी। अगर आपने अपने घर में किसी वरिष्ठ को यानी भगवान को स्थापित कर रखा है तो आपको बहुत शांत वातावरण रखना होगा, हर समय कलह का लड़ाई झगड़े का वातावरण नहीं होना चाहिए। आप इसको बहुत प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में आपका कोई गेस्ट आया हुआ है, कोई मेहमान आया हुआ है या आपके बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं तो आप उनके सामने भी तेज आवाज में नहीं बोलते, तो इस दौरान तो आपके घर में देवी साक्षात आई हुई हैं, उनकी आपने स्थापना कर रखी है, तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा करना, चीखना चिल्लाना, बर्तन पटकना या इस तरीके की बातें करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और उसके साथ साथ अब जान लेते हैं कि आज नवरात्रि की तृतीया तिथि में माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना आपको किस प्रकार करनी है। नवरात्र की जो तृतीया तिथि है वह माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस तृतीया तिथि में माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना बहुत विशेष तौर पर की जाती है। माँ चंद्रघंटा संपूर्ण कष्ट व बाधा का निवारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है उनके मस्तक पर चंद्र समान घंट की आकृति विराजमान है, जिससे किसी भी साधक को शीतलता मिलती है, उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और उनको एकाग्रता की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिनों में जो आप साधना करते हैं, इस साधना को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, इस साधना के क्रम को निरंतर जारी रखने का साहस माँ चंद्रघंटा देती है। वो आपको प्रेरणा देती है कि आप अपने मन को भटकने से रोकें, क्योंकि उन्होंने जो चंद्रमा को घंट समान चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह आपके मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि ये जो चंद्र समान घंट है, इस घंट की ध्वनि से असुर जो हैं वह दूर भागते हैं। माता का इस घंट की जो ध्वनि है उससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। तो पुराने समय में निश्चित तौर पर असुर भागते होंगे जिस समय माता ने स्वरूप धारण किया होगा, लेकिन आज सबसे बड़ा असुर हमारी आपकी अंदर की जो गलत प्रवृत्ति है, गलत आदतें जो हैं, वह हमारी आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधक बनती है। तो इस बाधक को रोकने के लिए और अपने इस साधना को, 9 दिनों की साधना को पूरा करने के लिए इस स्वरूप की पूजा किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस स्वरूप की जब आप पूजा करें तो उसके लिए मंत्र है ओम चम
चंद्र घंटाए हुम मंत्र पुनः सुन लें, ओम चम चंद्र घंटाए हुम। और इस पूजा, इस स्वरूप की पूजा आराधना करने में आपको गाय के दूध से बने पदार्थों का, घी द्वारा बने पदार्थों का, देसी घी से बनी मिष्ठानों का भोग लगाना, माता को अर्पित करना बहुत अच्छा लाभ देता है। जिस प्रकार हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिन जो होते हैं वह गृह शांति के लिए और ग्रह शांति के साथ साथ वास्तु शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, तो ऐसे में आज की तृतीया तिथि में बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में खराब है तो बृहस्पति की शांति के लिए ये तिथि बहुत ही विशेष है। आज की तिथि में आप हल्दी और केले का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं तो अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। नवरात्र की तृतीया तिथि में दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ किसी भी साधक को करना चाहिए, मिश्री या खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं कि आज आप अपने घर में किस प्रकार से वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, आज का वास्तु उपाय क्या है। आज की तिथि में आप दक्षिण दिशा की शांति कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में यदि कोई बहुत बड़ा दोष होगा तो नवरात्र की तृतीया तिथि उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अपने घर के दक्षिणी किनारे पर जाएं और वहां जाकर के उच्चारित करें क्लूम वाराही देव्याय क्लूम। एक बार पुनः सुन लें, क्लूम वाराही देव्याय क्लूम। इस मंत्र का जाप करते हुए एक तांबे का सिक्का आप दक्षिण दिशा में रख दें, यानी साउथ डायरेक्शन में रख दें, और वहां पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का रोग शोक यम का जो प्रभाव आपके घर पर बना हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। आर्थिक समस्या जितनी भी थी, कर्ज की स्थिति जितनी भी थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है, दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो हर प्रकार के रोग कष्ट और भय से आपको आज मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय दुर्गा। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।